चोट लगने के कारण थोड़ा सा मोबाइल हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम डॉक्टर साहब से दिखवाने जा रहे हैं। उस दिन से तो दिखवाए नहीं थे, घाव था इसलिए दिखवाने में नहीं बनता, तो पहले घाव का दवाई खा लिए हैं। अभी दांत टूट गया है, दांत में चोट है जिसके कारण पीछे और सर में दर्द रहता है, तो अभी जा कर के दिखवाते हैं डॉक्टर साहब से। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में अंत तक। दोस्तों अभी हम डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच गए हैं, यहीं पर दिखवाएंगे अभी। कितना लेट लगते भाई? 20 मिनट। कितना देर हो गया? दोस्तों अभी 3-4 आदमी का नंबर है, उसके बाद आएगा मेरा नंबर। तब तक अभी बैठे हुए हैं। किसी को दिखाने आए बच्चे? हम 26 कितना मास कितना है? मास डर लगा ही अच्छी 26 है ना। सर एक्सीडेंट हो गया था ना? अच्छा, इस सामने वाला था। हाँ, तो मुँह भरे गिर गए। कौन चोट लगा है? शिवरात्रि के दिन हुआ था सर। यहाँ से तो टूटा हुआ है ऊपर में। हल्का सा? हाँ हाँ, ये दोनों हिलना है आपका जी। इसमें नहीं ना दिक्कत? इसमें है और इसमें जी फट गया। हाँ, 1-1-1-2 जी। ये हो गया 1, हो गया 2। और कोई नीचे सब ठीक है? ना नीचे कुछ नहीं, झड़ गया था। ये तो पहले से जूट। हाँ हाँ, ये दोनों में RCT करना होगा, इसमें और इसमें, क्योंकि चोट लगा हुआ है हल्का ही। सर चोट है, सर पीछे से दर्द करता है। और इसके लिए हमको OPG एक्सरे करवाना होगा ऊपर के लिए। तो ये देखना है कि जबड़ा नहीं ना टूटा है। ठीक है सर, प्रणाम। दवाई दे देते हैं। सुबह शाम खाने के बाद दोनों एक ही है। सुबह शाम सबके साथ एक टैबलेट, कल सुबह खाली पेट। देखिए दोस्तों दिखवा लिए, अब निकलते हैं घर के लिए। दिखवा लिए चोट दिया तो क्या बोल रहे हैं? बोले कि दांत तो झड़ल है तो ठीक हो जाएगा, दवाई दिया। ये कितना से क्यों कहना आराम हुआ है? बोले कि थोड़ी कहीं टूटल होगा, एक्सरे करवा के आइए। जाएंगे हाजीपुर करवा देंगे। और क्या दिन का? 5 दिन का। पहले खा लीजिए, 2 दिन छुट्टी लेके चल लिए, करा लीजिए जो होगा सो सही से। अपना इनका से ठीक से ठीक हो ना जाएगा तो हड्डी वाला डॉक्टर से दिखाना होगा। हाँ, बोला कि हम ठीक कर देंगे। अच्छा, सब्जी लेकर आना। तो गाइस आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए ना। दूध वाला पैसा के ले लिया। अच्छा, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए और मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए।